स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एनिमे पैरासाइट पर। आज मैं आपके सामने ओरेसुकी एनिमे सीरीज के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत के सीन में एक लड़का हेड डाउन किए हुए नजर आ रहा है, उसके सामने एक लड़की आती है। अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर वो चौंकते हुए पूछता है, तुमने अभी क्या कहा? वो लड़की एक स्माइल पास करती है। वो लड़का आगे पूछता है, तुमको इस बारे में कैसे पता? कुछ बोलने के बाद वो मुस्कुराने लगती है। उसके लुक को देखकर वो लड़का घबरा जाता है। उस लड़के की वॉइस सुनाई दे रही है, मेरी जिंदगी की सबसे भयानक घटना। यहाँ पर हमें पास्ट का व्यू दिखाया जाता है। एक लड़का अपने घर से बाहर जाते हुए बोलता है, स्प्रिंग का मौसम आ गया, मेरा नाम है अमासुजू किसारागी, मेरी उम्र 16 है, मेरा निकनेम जोरो है, मैं एक आम सीधा साधा स्टूडेंट हूँ। पीछे से एक लड़की उसे जोरो से मारते हुए गुड मॉर्निंग विश करती है। वो रिप्लाई देता है, गुड मॉर्निंग हिमावारी। वो हंसते हुए बोलती है, तुम आज भी जोरो ही हो। हम ऑडियंस को इस लड़की के बारे में बताया जाता है, ओई हिनाता, इसका निकनेम हिमावारी है। जोरो की वॉइस सुनाई दे रही है, ये मेरी सबसे हंसमुख बचपन की दोस्त है। हिमावारी उसके हाथों को पकड़कर बोलती है, चलो स्कूल दोबारा साथ में चलते हैं। वो दोनों अपने क्लास में एंटर करते हैं। क्लास में एक लड़के से मिलाया जाता है, इसका नाम ताइयो ओगा है। इसका निकनेम संचान होता है। संचान बेसबॉल टीम का 4th बैटलर है। जोरो की आवाज सुनाई दे रही है, हमारा रहन सहन बिल्कुल अलग है, लेकिन हैरानी की बात है हम साथ में अच्छे से रहते हैं। संचान मिडिल स्कूल से मेरा बेस्ट फ्रेंड है। संचान उन्हें एक साथ देखकर बोलता है, हमेशा की तरह तुम दोनों दो जिस्म एक जान हो। वो रिप्लाई देता है, ये एक गले में फंदे की तरह है। ये सुनकर हिमावारी उस पर गुस्सा होकर अपने डेस्क पर चली जाती है। जोरो उसके बिहेवियर को देखकर बोलता है, उसे क्या हुआ? संचान जोरो से कहता है, मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। जोरो रिप्लाई देता है, तुम पूरे जोश में हो। वो जवाब देता है, बिल्कुल, इस साल हम चैंपियंस बनेंगे, तुम्हें भी। स्टूडेंट काउंसिल के लिए गुड लक जोरो। यहाँ पर हमें एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, साकुरा आकिनो, इसका निकनेम कॉस्मोस है। जोरो की वॉइस सुनाई देती है, ये है प्रेसिडेंट कॉस्मोस, ये स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है और 3rd ईयर में, जो मेरी क्लास से एक ऊपर है। कॉस्मोस यहाँ पर जोरो को बुलाकर बोलती है, उसे एक भरोसेमंद हेल्पर की जरूरत है। जोरो ब्लश करते हुए शुक्रिया बोलता है। संचान जोरो को छेड़ते हुए कहता है, तुम जाओ, तुम्हारी आइडल प्रेसिडेंट ने तुम्हारे लिए सेवा का सामने से डोर ओपन किया है। हिमावारी ये सब देखकर चिढ़ रही होती है, मुंह बनाते हुए पूछती है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? कॉस्मोस वो रिप्लाई देती है, उस बंदे को देखने आई हूँ जिसे मैं देखना चाहती थी। जोरो उसे पूछता है, हिमावारी तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, आखिर बात क्या है? वो गुस्सा होकर बोलती है, कुछ नहीं, और वहाँ से चली जाती है। कॉस्मोस कहती है, ऐसा लगता है हिमावारी मुझे पसंद नहीं करती। स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस का व्यू दिखाया जाता है। जोरो अपना काम खत्म करने के बाद कॉस्मोस से कहता है, अब मंडे को मिलते हैं। वो बोलती है, जरा रुकोगे? उसके द्वारा पूछने पर ब्लश करते हुए कहती है, कल सैटरडे है, तो क्या तुम मेरे साथ कहीं चलोगे? उसके प्रपोजल को सुनकर वो ऐसे रिएक्ट करता है। कॉस्मोस हिचकिचाते हुए कहती है, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए था। वो रिप्लाई देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जवाब में वो स्माइल के साथ कहती है, तो कल सुबह 10 बजे हम स्टेशन के पास क्लॉक टावर के सामने मिलते हैं। जोरो अपने घर पर खुश होकर बोलता है, ये एक डेट है ना, एक डेट प्रेसिडेंट कॉस्मोस के साथ। उसी वक्त उसके फोन पर हिमावारी का मैसेज आता है। वो बोलती है, चलो कहीं चलते हैं। जोरो रिप्लाई देता है, आई एम सॉरी, मैं कल कहीं नहीं जा सकता। हिमावारी संडे को बाहर चलने को कहती है, वो हाँ में रिप्लाई देता है। अगले दिन कॉस्मोस के बताए गए जगह पर जोरो वेट कर रहा होता है। वो वहाँ पहुँच जाती है। कॉस्मोस पूछती है, क्या मैं अजीब लग रही हूँ? वो रिप्लाई देता है, नहीं, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए मैं बेताब हूँ। इसके बाद वो दोनों पहले कॉफी शॉप जाते हैं, फिर शॉपिंग और पार्क में भी घूमने जाते हैं। जोरो लंच के लिए शुक्रिया बोलता है। वो कहती है, ये मेरा शुक्रिया कहने का तरीका है, तुम्हारा मेरा स्टूडेंट काउंसिल में हेल्प करने के लिए थैंक्स। अचानक से वो सीरियस होकर बोलती है, मैंने आज तुम्हें बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसके चौंकने पर कहती है, पहले क्या तुम मेरे पास बैठ सकते हो? वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। ब्रश करते हुए बताती है, यहाँ कोई है जिसको मैं पसंद करती हूँ। जब मैं उस बंदे के बारे में सोचती हूँ, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसको रोज देख पाने से मुझे खुशी मिलती है। उसके करीब जाकर जोरों से बोलती है, मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ताइयो ओगा से प्यार करती हूँ। ये सुनकर उसका बॉडी ठंडा पड़ जाता है। कॉस्मोस आगे बताती है, ये सब पहले साल के रीजनल बेसबॉल टूर्नामेंट से स्टार्ट हुआ है। टीम के हारने के बाद उसको सब लोगों से ज्यादा दुखी होना चाहिए था, लेकिन ओगा अपने टीम को हौसला दे रहा था। अभी
फिर भी उसका वो चेहरा मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, लेकिन वो उसकी रियल फीलिंग नहीं थी। गेम के बाद वो अजीब बर्ताव कर रहा था, तो जब मैं प्लेयर्स के रूम में जा रही थी, पास्ट का व्यू दिखाया जा रहा है। कॉस्मस को होगा सबकी नजरों से छुपकर रोता हुआ दिखाई देता है, प्रेजेंट में कहती है, उसी समय मैं उसके प्यार में पड़ गई। बदकिस्मती से मैं कभी उसके पास जाकर बात नहीं कर पाई और मैं इसे कभी आगे नहीं बढ़ा पाई। मैं जानती हूँ मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर क्या तुम हमें मिलाने में मेरी हेल्प करोगे? ये सुनकर जोरो के ऊपर बिजली सा गिर पड़ता है। कुछ देर बाद स्माइल के साथ रिप्लाई देता है, बिल्कुल, तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। कॉस्मस उसको शुक्रिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जोरो हिमावारी के साथ घूमने जाता है। वो जोरो को ऑब्जर्व करते हुए बोलती है, क्या बात है, तुम सुबह से थोड़े परेशान लग रहे हो। वो हंसते हुए बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अचानक से वो उसे पीछे से हक करते हुए कहती है, लो चार्ज हो जाओ। जोरो परेशान होकर कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? बस भी करो, हिमावारी लोग हमें घूर रहे हैं। वो कहती है, मेरा हक तुम्हें जोश से भर देगा। अचानक से स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारा थैंक्स, तुमने मुझे खुश कर दिया। वो दोनों एक साथ रेस्टोरेंट में खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा दिन घूमने के बाद पार्क में वो खुश होकर बोलता है, आज मैंने सच में बहुत अच्छा समय बिताया, शुक्रिया हिमावारी। वो अचानक से सीरियस होकर बोलती है, दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो चौंकते हुए पूछता है, क्या बताना चाहती हूँ? हिमावारी कहती है, पहले क्या तुम मेरे पास बैठ सकते हो? नर्वस होकर बताती है, यहाँ कोई है जिसको मैं पसंद करती हूँ, जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ मेरा दिल धक धक करने लगता है, लेकिन उसको रोज देख पाने से ही मुझे खुशी मिलती है। जोरो सोच में पड़ जाता है। हिमावारी उसके करीब जाकर बताती है, मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड सनचान से प्यार करती हूँ, ये सब पिछले साल के रीजनल बेसबॉल टूर्नामेंट में शुरू हुआ। वो अपने मन में कहता है, एक ही जगह पर इसके साथ भी हुआ। हिमावारी बताती है, टीम के हारने के बाद सनचान को सब लोगों से ज्यादा दुखी होना चाहिए था, लेकिन वो अपने साथियों को मोटिवेट कर रहा था। अभी भी उसका वो चेहरा मेरे दिमाग में जमा हुआ है, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी, जब मैं बाई तरफ से प्लेयर्स के रूम में जा रही थी, सनचान रो रहा था अपना सिर दीवार में पीटते हुए। उसी समय से मैं उसे प्यार कर बैठी, लेकिन सनचान और तुम मिडिल स्कूल से दोस्त हो, है ना? मुझे लगता है ये सही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प चाहती हूँ। ये सुनकर जोरो ऐसे रिएक्ट करता है। हिमावारी दुखी होकर पूछती है, क्या तुम नहीं कर सकते हो? वो जवाब देता है, बिल्कुल, इसे मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद वो थैंक्स बोलकर चली जाती है। जोरो अपने घर पर आ जाता है। वो कहता है, मुझे यकीन नहीं होता, अचानक से उसका कंट्रोल खुद पर से हट जाता है। जोरो से चिल्लाकर बोलता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने अपनी पूरी कोशिश की, क्या मैं एक अच्छे लड़के की तरह नहीं रहा हूँ? सच में वो दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड से प्यार करते हैं। क्या बकवास है, मैं जानता हूँ वो कूल है और बेसबॉल टीम का नंबर वन प्लेयर भी है। डरावनी सी शक्ल बनाकर आगे कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने जो रोमांटिक हाई स्कूल की खिचड़ी पकाई थी वो बर्बाद हो जाएगी। कल से मैं अपने सच्चे रूप के साथ उनसे बदला लेना स्टार्ट करूंगा। नहीं रुको, ऐसी सिचुएशन में यहाँ दो लड़की और एक लड़का है, दूसरे शब्दों में मेरे पास एक चॉइस है। खुश होकर कहता है, हाँ सही है, मैं हर चीज करूंगा जिससे उनको सपोर्ट मिले। आखिर तक जाने के बाद उनमें से एक को नहीं चुना जाएगा, मेरा चांस अभी भी बाकी है। अगली सुबह हिमावारी उसे पीछे से मारकर गुड मॉर्निंग विश करती है। वो चिढ़कर मन में कहता है, ये दुखता है। वो उसे बोलती है, तुम्हारा कल के लिए थैंक्स। जोरो उसे बताता है, सैटरडे को प्रेसिडेंट कॉस्मस ने भी मुझे इसी बारे में कहा था। वो परेशान होकर बोलती है, तो कॉस्मस सच में मेरी राइवल है? जोरो उसे सैड देखकर स्माइल के साथ मन में कहता है, इसको पता था। हिमावारी बोलती है, याद करो कैसे वो अचानक फ्राइडे को हमारी क्लास में आ गई थी? उस पर मुझे शक था, लेकिन विश्वास नहीं होता। जोरो उसे कहता है, तो मैं तुम दोनों की हेल्प करूंगा। वो इमोशनल होकर पूछती है, तो तुम मेरी तरफ नहीं हो? जोरो बौखलाते हुए मन में कहता है, चुप कर पागल लड़की। आगे कहता है, मैं दोनों की तरफ हूँ, तो चलो तुम्हें उससे मिलाने के लिए प्लान पर बात करते हैं। वो खुश होकर उसे जोरो से गले लगा लेती है। जोरो चीट कर मन में कहता है, मुझसे लिपट गई है और इसके बाद भी ये मुझे पसंद नहीं करती, ये पागल तो नहीं है? जोरो को क्लास में अकेले आते देख सनचान वंडर होकर पूछता है, तुम आज हिमावारी के साथ नहीं आए? वो रिप्लाई देता है, हम बस बचपन के दोस्त हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम हमेशा साथ रहे। दरअसल हिमावारी बाहर छुपी होती है, ये उनके प्लान का एक पार्ट होता है। उसी समय हिमावारी उन्हें ज्वाइन करती है। प्लान के मुताबिक उसे बोलना होता है, पर वो जोरो की लाइन बोलने लगती है। जोरो मन में कहता है, ये बेवकूफ लड़की मेरी लाइन क्यों बोल रही है? सनचान चौंकते हुए पूछता है, स्टूडेंट काउंसिल में तुम क्या करोगी हिमावारी? उसे अपनी गलती का एहसास होता है। जोरो सिचुएशन कंट्रोल करते हुए सनचान से बताता है, उसके कहने का मतलब है, मुझे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में कुछ काम है, तुम दोनों बात करो, मैं जाता हूँ।
काउंसिल ऑफिस में जोरो कॉस्मोस को मिलने बुलाता है। वो कहती है, ज्यादा चिंता मत करो। जोरो मन में बोलता है, इसने अपना सेक्सी तरीका इस्तेमाल किया मेरे जैसे साफ दिल वाले बंदे से ऐसा काम करवाने के लिए। कॉस्मोस पूछती है, तुम्हें किस बारे में बात करनी थी? वो बताता है, बात ये है कि हिमावारी ने भी मुझे वही करने को बोला जो तुमने कहा था। एंग्री होकर कहती है, मैं जानती थी, ये तो कबाब में हड्डी है। जोरो कहता है, मैं तुम दोनों की हेल्प करूंगा। उसके रिएक्शन को देखकर कहता है, मैं दोनों साइड हूँ, तो चलो प्लान के बारे में बात करते। कॉस्मोस एक्साइटेड होकर उसका हाथ पकड़ लेती है। जोरो मुंह बनाकर मन में कहता है, ऐसे हाथ पकड़ने का मतलब ही नहीं बनता है जब तुम मुझे पसंद ही नहीं करती हो। अगले सीन में कॉस्मोस नर्वस होकर बोलती है, ओगाकुन माफ करना, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। कहता है, तो आप किस बारे में बात करना चाहती थी? प्रेसिडेंट आकिनो। वो कहती है, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। जोरो इरिटेट होकर मन में कहता है, आधी बात को तो खा गई। संचान के चौकने पर कॉस्मोस मुंह बनाकर जोरो की तरफ देखने लगती है। वो चीजों को संभालते हुए कहता है, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने के नाते आपको बाकी क्लास पे ध्यान देना चाहिए और संचान की फ्रेंड बनना अच्छा आइडिया है। मन में कहता है, ये बहुत पेनफुल है। लंच के ब्रेक में हिमावारी और कॉस्मोस जोरो को ढूंढ रही होती है। वो उनसे छुपता हुआ दिखाई देता है। मन में कहता है, कम से कम लंच में मैं इन बेवकूफों से दूर रहना चाहता हूँ। स्कूल की सबसे शांत जगह लाइब्रेरी है, इसलिए भी क्योंकि आज ये खुला नहीं है। एक लड़की जोरो की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, तुम्हें यहाँ देखकर मैं हैरान हूँ। जोरो मन में कहता है, ये क्या हमेशा यही रहती है? स्माइल के साथ कहता है, हेलो सांसोकुन, इसका निकनेम पेंसी है। जोरो से कहती है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। जोरो हेड डाउन करते हुए बोलता है, मैं थक गया हूँ। पेंसी जवाब देती है, अपने फ्रेंड की हेल्प करके हर बंदा थक ही जाएगा। और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की रोमांस में वो चौंकते हुए पूछता है, क्या बोला तुमने? स्माइल के साथ रिप्लाई देती है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। जोरो घबराहट की वजह से पसीने से भीग जाता है और पूछता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? रिप्लाई देती है, आखिरकार मैंने हमेशा तुम पे नजर रखी थी। उसके चौंकने पर स्माइल के साथ बताती है, मैं तुम्हें बहुत टाइम से देख रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब वो उन दोनों से मिला होता है, पेंसी हर जगह उसे फॉलो कर रही होती है। हंसते हुए जोरो से कहता है, सच में इसके लिए मैं तुम्हें एक पॉइंट देता हूँ, इसके बाद जाने लगता है। पेंसी उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है, शायद तुम्हारा सीक्रेट बता देना चाहिए। जोरो उससे बात करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके सामने बेंच दिखता है। वो अपना सिर पकड़कर कहता है, ये यहाँ क्यों है? पेंसी उसे बेंच पर बैठने को कहती है। बताती है, दरअसल मैं यहाँ किसी को पसंद करती हूँ। जोरो मन में बोलता है, वो संचान है ना? पेंसी कहती है, जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ मेरा दिल धक धक करने लगता है, लेकिन मैं उसे रोज देखकर ही खुश हूँ। जोरो इस तरह का फेस बनाकर सुन रहा होता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसे लगता है ये संचान का नाम ही लेगी। उसके करीब जाकर बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ जोरो। वो इस तरह के रिएक्शन के साथ कहता है, इस चश्मिस ने ही ऐसा क्यों बोला? मेरे लिए यही बची थी। जोरो उसे बीच में रोक देता है। वो गुस्सा हो जाती है। जोरो उसे देखकर मन में कहता है, ये मत कहना कि। पेंसी उसे बुक दिखाती है। बुक का नाम होता है स्ट्रेंज केस डॉक्टर जैकेल और मिस्टर हाइडेल का। वो कहती है, मैं बात करना चाहती हूँ हाइडे से। वो रिप्लाई देता है, तुम कहना चाहती हो मुझे तुम ऐसे पसंद करती हो, तुम्हारा जरूर दिमाग खराब हो गया है। पेंसी कहती है, मेरे पास स्टोरी है जिसका मतलब जोरो है। वो एंग्री होकर जवाब देता है, ये उस स्टोरी में नहीं है जिसको मैं जानता हूँ। आई हेट यू पेंसी, आई लव यू में रिप्लाई देती है। जोरो कहता है, जैसा कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ कभी डेट पे नहीं जाने वाला। उसके रिएक्शन को देखकर हैरान होकर बोलता है, मुझे लगा तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। पेंसी कहती है, मैं तुमसे एक एहसान चाहती हूँ, अभी से मैं तुमसे रोज बात करना चाहती हूँ यही लंच टाइम पे। वो उसे मना कर देता है, पर पेंसी द्वारा कन्विंस करने पर जोरो मान जाता है।